हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर, तो हम सबसे पहले देखते हैं डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये होता है हमारा डीएनए का फुल फॉर्म। तो डीएनए हमारा क्या है? डीएनए हमारा एक एसिडिक सब्सटेंस है। एसिडिक सब्सटेंस है जो कि कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में। डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। डीएनए को सबसे पहले, ये चीज को सबसे पहले किसने आइसोलेट किया था? फ्रेडरिच मेशन ने 1869। तो इन्हें सबसे पहले, फ्रेडरिच मेशन ने एक कंपाउंड को, एक सब्सटेंस को आइसोलेट किया था डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स के न्यूक्लियस से। व्हाइट ब्लड सेल के न्यूक्लियस से उन्होंने एक कंपाउंड आइसोलेट किया था जो कि, जिसका नाम उन्होंने दिया था न्यूक्लिन। न्यूक्लिन उन्होंने नाम दिया था और 1869 में इन्हें आइसोलेट किया था। लेकिन कुछ टेक्निकल लिमिटेशंस के वजह से, क्योंकि हमारा जो डीएनए होता है वो पॉलीमर होता है, लॉन्ग पॉलीमर स्ट्रक्चर होता है, तो उसको आइसोलेट करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो उसके कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के वजह से फ्रेडरिच मेशन जो थे उन्हें इसको डिटरमाइन नहीं कर पाया था, डीएनए के स्ट्रक्चर को। तो बहुत समय तक इन्हें डिटरमाइन नहीं कर पाया। तो फिर से आपने नाम तो सुना होगा कि वॉटसन, ग्रीक, विल्कंस एंड फ्रैंकलिन, इसका नाम तो सुना होगा आप लोगों ने इन लोगों का। तो जो बहुत समय तक इन लोगों ने नहीं आइसोलेट कर पाया, फ्रेडरिच मेशन ने नहीं आइसोलेट कर पाया था डीएनए को। उनने बस बताया कि कोई सब्सटेंस है जिसका नाम उन्हें न्यूक्लिन दे दिया था। तो 1953 में वॉटसन और ग्रीक ने जो है डीएनए के स्ट्रक्चर को उन्होंने डिस्क्राइब किया था। डीएनए के स्ट्रक्चर को उन्होंने डिस्क्राइब किया था, और कौन सा स्ट्रक्चर? डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर को इन्होंने डिस्क्राइब किया था। कैसे डिस्क्राइब किया था? उनके पास कुछ तो रहा होगा, इसलिए तो उन्होंने क्या, जो विल्कंस और फ्रैंकलिन ने जो डाटा, एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा आइसोलेट किया था डीएनए फाइबर से फ्रैंकलिन एंड विल्किंस ने। तो इनका डाटा, इस डाटा के बेसिस पे वॉटसन और ग्रीक ने 1953 में डीएनए का स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया था, जिसके लिए वॉटसन, ग्रीक एंड विल्किंस को नोबेल प्राइज मिला था, और फ्रैंकलिन को, फ्रैंकलिन आप बोलेंगे कि फ्रैंकलिन को भी तो मिलना चाहिए क्योंकि इनका भी तो उतना ही रोल था। तो फ्रैंकलिन जो थी, इनका जो है बहुत जल्दी डेथ हो गया था, 38 की एज में ही डेथ हो गया था कैंसर की वजह से, तो इन्हें जो है नहीं मिल पाया था, तो इन्हें मिल गया। अब हम देखेंगे कि डीएनए को हम ऐसे लिख लें, डीएनए जो है वो पॉलीमर है। पॉलीमर किसका है? तो डीएनए हमारा क्या है? डीएनए हमारा है, ये हमारा डीएनए, ये है पॉलीमर। अब पॉलीमर किसका है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स का ये पॉलीमर है। अब हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो मोनोमरिक यूनिट होते हैं न्यूक्लिक एसिड का, मोनोमरिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मोनोमरिक यूनिट होते हैं। तो पॉलीमर क्या होता है, ऐसा समझ सकते हैं पॉलीमर, जैसे कि अगर हम कोई माला बनाते हैं मोती की, तो जो हम, अगर हम एक एक मोती को देखें तो वो हमारा है मोनोमर, एक एक मोती, और जो पूरी माला बन गई उससे वो हो गया हमारा पॉलीमर। तो जो हमने एक एक मोती से माला बनाया वो हमारा मोनोमर, और पूरी जो माला है वो है पॉलीमर। या फिर हम जैसे देखते हैं घर, जो घर हम बनाते हैं वो ईंट से बनाते हैं, ईंट, एक एक ईंट मिल के जो हमारा घर बनता है, तो ईंट जो हो गई वो हो गई हमारी मोनोमर, और जो हमारा घर हो गया वो पॉलीमर। या फिर एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं हम कि अमाइनो एसिड्स जो है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स जुड़ के प्रोटीन्स बनाती हैं, तो जो है
वो हो गया हमारा पॉलीमर। डीएनए क्या होता है? डीएनए हमारे जो है ये स्टोर हाउस है जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस का। डीएनए में सारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है हमारी बॉडी की, वो सारे जो है डीएनए में स्टोर रहते हैं। डीएनए जो है एक पर्टिकुलर पार्ट में नहीं पाया जाता कि बॉडी के एक पर्टिकुलर पार्ट में पाया जाता है, डीएनए के बस हाथ में पाया जाता हो या पैर में, नहीं, डीएनए पूरे हमारी बॉडी में पाया जाता है, पूरे हर एक सेल के अंदर जो है डीएनए पाया जाता है। और जो डीएनए का अमाउंट है वो भी हर एक सेल के अंदर सिमिलर है, फिक्स्ड है, उतना ही अमाउंट पाया जाता है। और जो डीएनए का जो जो हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, जो हमारी बॉडी का शेप है, जो कलर है, वो सब डीएनए के वजह से है। और इंटरनल स्ट्रक्चर भी जो हमारे मेटाबॉलिज्म है वो भी डीएनए से है। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियोटाइड्स को देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या है। न्यूक्लियोटाइड्स हमें देख लें कि मोनोमरिक यूनिट है न्यूक्लिक एसिड का। तो अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स हम देखेंगे कि तीन कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। पहला है नाइट्रोजिनस बेस, सेकेंड है हमारा पेंटोज सुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। इन सब चीजों से हमारे जो है न्यूक्लियोटाइड्स मिलके बने होते हैं। नाइट्रोजिनस बेस हम सबसे पहले देखते हैं, नाइट्रोजिनस बेस जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, प्यूरीन एंड पाइरिमिडीन। तो हमें न्यूक्लिक एसिड पे एक डिटेल्ड चैनल, वो सॉरी डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, जिसका कि हम लिंक दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके देख लीजिएगा। न्यूक्लिक एसिड पे हमने उसमें नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, सारा चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो हम देख लेते हैं, अब हम यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे, बस ओवरव्यू देखेंगे। तो नाइट्रोजनस बेस दो टाइप्स का होता है, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। प्यूरिन हो गया हमारा एडिनिन एंड ग्वानिन, पायरिमिडिन हो गया हमारा थायमिन एंड साइटोसिन। एडिनिन ग्वानिन थायमिन जो है ये जो है दोनों चीज़ों पाया जाता है डीएनए एंड आरएनए में, लेकिन जो साइटोसिन है, सॉरी एडिनिन ग्वानिन एंड साइटोसिन जो है वो तीनों चीज़ों में पाया जाता है डीएनए एंड आरएनए, लेकिन जो हमारा थायमिन है वो डीएनए में पाया जाता है, लेकिन आरएनए में जो है वो थायमिन की जगह पे यूरैसिल पाया जाता है हमारा आरएनए में। हम पेंटोज शुगर देखते हैं, पेंटोज शुगर शुगर हमारे दो टाइप्स के होते हैं, ये भी राइबोज शुगर एंड डी ऑक्सीराइबोज शुगर। पेंटोस मतलब कि पांच कार्बन से बना है, तो वो हो जाता है, इसीलिए हमारा पेंटोस शुगर नाम है इसका। शुगर दो टाइप्स हो, राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस। तो हमें यहाँ पे बस क्या देखना है, डीऑक्सीराइबोस में डीएनए के बारे में देखना है। और ये हो गया हमारा फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप हम इसके पास एक हाइड्रोजन है, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन OH एंड OF। तो हमारा जो है ये एक्वस सोल्यूशन एसिड है, ये फॉस्फोरिक एसिड है। तो एसिड जो होता है वो जब एक्वस सोल्यूशन में जाता है तो हमारा जो हाइड्रोजन है वो डिसॉल्व हो जाता है, मतलब कि वाटर से इंटरेक्ट कर लेता है, लेकिन फिर हमारा क्या बचता है, यहाँ पे हम ओ माइनस लगाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये हम सिंप्लीफाई करने के लिए आपको स्ट्रक्चर बता दिया है। तो अब हम देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड का, हम पूरे न्यूक्लिक एसिड का वो देखते हैं स्ट्रक्चर। तो हमारा क्या है, सबसे पहले पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर हम बनाएंगे। ये हुआ हमारा पेंटोज शुगर, ये है। अब हमारा ये जो एक एक कॉर्नर जो है ये हमारे कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन, लेकिन फाइव कार्बन होता है। तो अब हम बताते हैं, हर एक कार्बन पे जो है वो वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, एच ओ एच एच हर एक कार्बन पे होता है हमारा, और एक कार्बन जो है हमारा यहाँ होता है सी एच टू ओ एच, इससे भी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है। तो ये है हमारा आरएनए का राइबोस शुगर। अब हम डीएनए का देखेंगे, तो डीएनए में क्या होता है, डी ऑक्सी। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका हम इस, तो सी कितना हमारा कार्बन, 1 2 3 4 5, फाइव कार्बन है, सी फाइव हो गया। हाइड्रोजन कितने हम देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6,
सिक्स हमारा हाइड्रो ऑक्सीजन, तो ये हुआ हमारा आरएनए। अब हम डीएनए में देखेंगे, डीएनए क्या है, डी ऑक्सी, डी मतलब एब्सेंस, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन का जब एब्सेंस होता है, कमी हो जाती है, तो वो हो जाता है डीएनए। तो हम देखते हैं कहाँ पे किस पोजीशन पे कमी आती है, तो हम बनाते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर। ये हमारा पेंटोज शुगर, ओएच, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा राइबोस शुगर में जो सेकेंड कार्बन है, सेकेंड कार्बन पे यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, तो जो हम डीएनए में जो होता है एक ऑक्सीजन कम होता है, तो क्या हो जाएगा हमारा, एक ऑक्सीजन कम होगा तो हो जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बस बचा, और यहाँ पे ओ एच, एच ओ एच सी एच टू ओ एच, ये हो गया हमारा डीएनए। तो ये हमें देख लिया नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कि पूरा बन के क्या बनता है मिलके, तो हम बनाते हैं ये है हमारा ओ एच आ गया यहाँ पे, यहाँ पे हमने डीएनए का बनाया है एच सी एस टू, ये हो जाएगा हमारा फॉस्फेट, क्योंकि एक इससे हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया, वो माइनस, हमने बोला था कि एक्वा सोल्यूशन में क्या होगा, हाइड्रोजन जो है वो हट जाता है, बॉन्ड बना लेता है, और यहाँ पे हमारा जो है वो बेस प्रेजेंट होगा, यहाँ पे जो हमारा है वो बेस प्रेजेंट होगा। तो अगर हम देखें बेस जो है वो कितने टाइप्स के हमारे, ये हो गया हमारा डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियो टाइड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। अब हम बेस के बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो हमारा बेस जो होता है चार चार टाइप्स के बेस होते हैं, फोर टाइप्स के बेस होते हैं, एडिनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। एक चीज़ हमें इसमें याद रखनी है, जब दो न्यूक्लियोटाइड चेन जो है मिलते हैं, तो जो बॉन्ड बनता है उनके बीच में वो होता है हमारा फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। तो हमने देख लिया कि हमारा जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है वो फोर टाइप्स के होते हैं, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। तो हम एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये हो गया हमारा पेंटोज शुगर, यहाँ पे हमने जोड़ दिया, हमारे यहाँ पे बेस था तो हम बेस की जगह एडेनिन डाल देते हैं, और ये हो गया हमारा जो है फॉस्फेट। तो हमें यहाँ से डायरेक्ट नहीं जोड़ना है कि हमने यहाँ से जोड़ दिया, हमें एक कार्बन दिखाना पड़े, क्योंकि हमारा जो फॉस्फेट होता है वो फिफ्थ कार्बन से जुड़ा होता है, शुगर के फिफ्थ कार्बन से। तो हमारा हो गया 1 2 3 4 एंड फिफ्थ कार्बन हो गया, तो ये हो गया। अब हम दूसरा बनाते हैं, हमको जब हमारा पॉली, हम देखते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड, जो हमारा डीएनए होता है वो दो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है, तो पॉली न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, ये हो गया हमारा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। पॉली, पॉली मीन्स मेनी, जब दो से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड जब कंडेंस्ड होते हैं या फिर ज्वाइन होते हैं, तो हमारा बनता है पॉली न्यूक्लियोटाइड, और उनके बीच में जो बॉन्ड होता है, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड, वो होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये होता है हमारा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो हम यहाँ पे देखेंगे, ये हो गया, हम यहाँ पे मान लेते हैं ग्वानिन, ये हमारा फिर फॉस्फेट, यहाँ ये हमारा शुगर, ये हमारा बेस, ये हमारा हो गया। तो अब हम देखते हैं कि हमारा फॉस्फेट जो है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे बनता है, ये हमारे एक एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड। तो जब हमारा जो है पहले वाले का थर्ड कार्बन का, यहाँ पे हमने देखा है कि वो हमारा जो होता है वो ओ एच होता है, हम यहाँ पे ये हमारा हो गया ये हमारे यहाँ से बॉन्ड, तो ये हो गया हमारा फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर, और ये हमारा ओ एच, ओ एच यहाँ पे रहता है थर्ड कार्बन पे। तो जब हमारा फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन का हाइड्रोक्सिल
दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ कार्बन के फॉस्फेट ग्रुप से जुड़े हुए हाइड्रोक्सिल के साथ बॉन्ड बनाता है, तो उसे हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं। हम एक बार फिर देखेंगे कि जब हमारा पहले वाले न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन का हाइड्रोक्सिल जो है वो सेकेंड अपने बाद वाले न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ कार्बन से जुड़ा हुआ फॉस्फेट के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जब बॉन्ड बनाते हैं, जुड़ते हैं या बॉन्ड बनाते हैं, तो वो होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो अब हम इसमें देखेंगे कि हमारा जो है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे बनता है। तो यहाँ से हमारा जो होता है वो हाइड्रोजन निकल जाता है, हाइड्रोजन निकल गया, तो हाइड्रोजन निकल गया तो हमारा क्या बचा, एक ऑक्सीजन बचा, ऑक्सीजन बचा तो ये बना लेता है हमारा बॉन्ड। हम यहाँ पे बना के दिखाते हैं आपको, ये हो गया हमारा बेस, ये सुगर एंड ये फॉस्फेट, ये फॉस्फेट कहीं से नहीं जुड़ा है, ये हमारा फिफ्थ कार्बन, और ये हो गया हमारा ऑक्सीजन। तो ये हो गया हमारा पी, ये ओ जुड़ा था, ओ माइनस आएगा यहाँ पे, और ये हमारा हो गया दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये हो गया हमारा दूसरा न्यूक्लियोटाइड। तो ये ऐसे बनेगा। अब नेक्स्ट वाले न्यूक्लियोटाइड से भी हमारा जो है ये, इसका हमने थर्ड वाला ये हमारा जोड़ लिया, अब हमारा फिर से जो यहाँ पे थर्ड कार्बन होगा इसके फिफ्थ फॉस्फेट से, फॉस्फेट के जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा उससे जाके बॉन्ड बना लेगा। तो ये हो गया और ये हो गया हमारा थाइमिन, तो ये हो गया हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब इसकी हम पोलैरिटी देखते हैं, पोलैरिटी हमेशा जो होती है वो 5' टू 3' होती है। अब हम देखें 5' टू 3' ही पोलैरिटी क्यों होती है, पोलर पोलर मीन्स कि जिन्हें हम डिस्टिंग्विश कर सकें, मतलब कि अगर हम मान लें कि हमने एक जो है मैचस्टिक लिया है, मैचस्टिक में क्या होता है, एक साइड जो लगा रहता है ब्राउन कलर का जिससे कि वो जलता है, ब्राउन कलर का जो पाउडर रहता है अगर हम उसे निकाल दें तो अगर मैचस्टिक देखेंगे तो वो दोनों साइड से सेम दिखेगी, तो वो हो गया नॉन पोलर, हम उसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब वो लगा रहता है हमारा जो ब्राउन कलर का जो पाउडर होता है उसी से हमको पता चलता है कि ये सही है, इसी साइड से हमें हमारी मैचस्टिक जो है जलेगी, तो वो हो जाता है पोलर। तो उसकी पोलैरिटी होगी, तो इसकी पोलैरिटी 3' टू 5' होगी। हम कैसे होगी, जैसे कि हमारा ये फॉस्फेट है, ये फिफ्थ कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो फिफ्थ कार्बन से फॉस्फेट जुड़ा है, अब इसके आगे हमारा जो फॉस्फेट है वो किसी से नहीं जुड़ा है, ये इसके आगे जो फॉस्फेट हमारा फ्री है, तो ये हो गया हमारा 5' फ्री है, और हम लास्ट में देंगे इसका अगर थर्ड कार्बन पे देखें, थर्ड कार्बन से जो हमारा फॉस्फेट है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये इससे जुड़ा हुआ है फॉस्फेट, तो हमारा फॉस्फेट फ्री नहीं है। अगर हम इसी में लास्ट में देखें तो हमारा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है थर्ड कार्बन पे है ये फ्री है, इसके आगे कुछ नहीं जुड़ा है, तो ये हो जाता है पोलैरिटी 5' टू 5' टू 3'। ये हो गई हमारी पोलैरिटी। अब हम देखेंगे जो हमारा डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड से मिलके बना होता है। तो अब हम देखते हैं कि टू स्ट्रैंड्स कैसे बनाएंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर, हम अच्छे से बना लेते हैं पहले। ये हो गया हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, शुगर बेस एंड फॉस्फेट। तो अब हम जो ये 5' टू 3' है, हमारा जो जो डीएनए का एक फीचर है, एक कैरेक्टरिस्टिक है कि जो हमारी डीएनए की स्ट्रैंड होती है वो एंटी पैरेलल होती है। अगर एक स्ट्रैंड 5' टू 3' है, अगर हमारा एक स्ट्रैंड 5' टू 3' है तो दूसरा स्ट्रैंड जो है उसकी ही कॉम्प्लीमेंट्री होगा, मतलब कि उसका उल्टा होगा, 5' टू 3', ठीक है, 3' टू 5', अगर हम इधर से लिखें तो 5' टू 3' है, और इधर से हम देखेंगे तो एक होगा 5' टू 3' एंड सेकेंड जो जिसका सामने वाला जो स्ट्रैंड होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा इसका, जस्ट उल्टा 3' टू 5'। तो अब हम इसका देखेंगे, तो हमें इसके ही तो हम इसका इधर से उल्टा बनाएंगे, तो हमें उल्टा बनाना है, तो हम कॉपी में अगर बना रहे हैं तो हम कॉपी को उल्टा करके भी बना सकते हैं, पर हम ऐसे बना रहे हैं। ये हो गया हमारा, ये हमारा फॉस्फेट,
ये इससे जुड़ा हुआ है, हमारा कार्बन है, ये हमारा जो है ये एडेनिन, ये हमारा बेस है। तो हम इसको तो अपनी मर्जी से इसमें, तो हम इस स्ट्रैंड में तो अपनी मर्जी से हम बेस बेस लिख सकते हैं नाइट्रोजनस बेस, पर इसमें हम अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते हैं। चारकाफ रूल के अकॉर्डिंग जो है एडेनिन जो है हमेशा ही इक्वल होता है थायमिन के, एंड जो ग्वानिन है वो हमेशा इक्वल होता है साइटोसिन के। ये रूल है, इसे मानना है क्योंकि हम इस रूल को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा ही एडेनिन क्या होगा, थायमिन के इक्वल होगा, और ग्वानिन जो है साइटोसिन के इक्वल। तो हम क्या करेंगे, एडेनिन के सामने हम थायमिन लिख दिए, ग्वानिन के सामने हम साइटोसिन, और साइटोसिन के सामने ग्वानिन। ऐसे ही हमारा बहुत बड़ा, हम तीन स्ट्रक्चर लिए हैं, इससे हम 10 भी जोड़ सकते हैं तो भी हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ही रहेगा। हमारा दो ये हो गया, हमारा 5 प्राइम फ्री है हमारा फॉस्फेट, और यहाँ पे 3 कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है, और ये हो जाएगा हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है वो फॉस्फेट फ्री है, सॉरी यहाँ पे हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो फ्री है और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री है। तो ये हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इधर से हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो अब एक और रूल है हमारा, कि जो हमारा एडेनिन जो है वो हमेशा थाइमिन से जुड़ती है डबल बॉन्ड से, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन से जुड़ेगा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो अब हम देख लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड को हम हमेशा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो वीक अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं, या फिर हम कह लें जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि हो गया फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये सब जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जो कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को जो है अपनी साइड अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन डीएनए में जो है हमारा बस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो जब हमारा हाइड्रोजन आता है, तो जब हमारा एडेनिन या थायमिन का जो जो भी हाइड्रोजन आएगा बेस का, या ऑक्सीजन जो है वो जब हाइड्रोजन से अट्रैक्ट होता है, तो जो हाइड्रोजन जो है अट्रैक्ट होके वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डेवलप होता है, इन दोनों में जब पास आते हैं तो इनमें फिर जो हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो जाता है, तो ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हमने देख लिया कि एडेनिन के बीच में जो है दो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, एडेनिन और थायमिन के बीच में, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हम इसका देख लेते हैं कि डिटेल स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसे होता है। तो ये है हमारा डिटेल स्ट्रक्चर, ये हमारा थायमिन का स्ट्रक्चर। थायमिन जो होता है वो सिंगल रिंग होता है, और एडेनिन जो होता है वो डबल रिंग होता है। एडेनिन और ग्वानिन जो है डबल रिंग होते हैं। तो एडेनिन का यह स्ट्रक्चर और ये थायमिन का, तो हम देख सकते हैं इसमें बीच में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हुआ है। इसमें दो ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं, तो इसमें दो हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबलाइज्ड होते हैं एडेनिन और थायमिन के बीच में, और साइटोसिन ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बने हैं। तो ये हो गया हमारा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबलाइज होते हैं, ये फिक्स्ड है क्योंकि इसमें 3 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं और इसमें दो। तो अब हम इसमें देख लेते हैं कि हाइड्रोजन एडेनिन और थायमिन के बीच में कितने बॉन्ड्स हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, और फिर ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए हमारे। और अगर हम इसके आगे आगे बढ़ाते जाते हैं तो वो होता जाता है स्ट्रक्चर। तो ये हो गया हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर, ये हो गया हमारा 2 स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो अगर हम इसे क्या करते हैं, कर्व कर देते हैं, ये ट्विस्ट हो जाता है, कर्व हो जाता है, तो हमारा जो कर्व के वजह से ये ट्विस्ट हो जाता है। अगर हम एक एग्जांपल के देखें, तो अगर हम दो वायर लेते हैं और उसे हम कर्व कर देते हैं, तो क्या हो जाता है हमारा, कि वो अगर उसे हम ट्विस्ट करें तो ट्विस्ट हो जाता है, तो उसी के जो हमारा बन जाता है वो हेलिकल स्ट्रक्चर या ट्विस्टेड स्ट्रक्चर बन जाता है। अगर हम ये देखते हैं, ये हमारा मान लेते हैं हम दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन है, अगर हम इसे ऐसे ट्विस्ट कर दें तो ये हमारा क्या बन गया, ये
हेलिकल स्ट्रक्चर बन गया डीएनए का। हम इसे ट्विस्ट कर दिए तो ये हमारा बन गया हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का। डीएनए हमारा इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कर्व फॉर्म में। और तो हमारा जो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है इस फॉर्म में ट्विस्ट हो जाता है। तो जो हमारा ये हम मान लेते हैं ये हमारा 5 प्राइम है, तो इसी का जो एंड है वो होगा हमारा 3 प्राइम, और ये हो गया हमारा 3 प्राइम, तो ये हो गया हमारा 5 प्राइम। तो ये हो जाता है हमारा कर्व फॉर्म में, जो हमारे ये प्रेजेंट है, इन्हें ये यहाँ पे हमारे बेस प्रेजेंट है, और ये बेस प्रेजेंट है, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड और ये दोनों हो गए बेस। तो हम इनको जो है, इन दोनों को जो दो प्रेजेंट है तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, बेस पेयर, क्योंकि दो प्रेजेंट, एक पेयर में प्रेजेंट हो, ये हो गया बेस, ये भी हमारा एक बेस पेयर हो गया, हमारा ये भी बेस पेयर हो गया। और ये जो ये है, ये जो लाइन है जो दो बेस पेयर्स को जोड़ रही है, दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ रही है, हमारा न्यूक्लियोटाइड हो गया, जो दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ रही है वो हो गया हमारा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये हो गया हमारा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये हो गया बीच में जो प्रेजेंट है ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हो गया। अब इसमें हम कुछ कैरेक्टर्स देख लेते हैं। जो हमारा डीएनए होता है वो एक एक्सिस से, ये जो राइट हैंडेड में रैप होता है, एक एक्सिस होता है हमारा, बीच में एक्सिस प्रेजेंट है उसमें राइट हैंडेड, जैसे राइट हैंड के जैसे हमारा जो राइट हैंड होता है वो तो उधर साइड मुड़ता है, तो उस राइट हैंडेड डायरेक्शन में ये उस है एक्सिस के बीच में वो रैप होता है। इसमें दो ग्रुप्स पाए जाते हैं, मेजर ग्रुप एंड माइनर ग्रुप। मेजर ग्रुप मतलब कि जो ज़्यादा, ये ज़्यादा अंदर तक गया है, ये यहाँ पे ज़्यादा स्पेस ही हो गया हमारा मेजर ग्रुप, और ये जो हो गया ये जो हमारा कम स्पेस है यहाँ पे, ये हो गया हमारा माइनर ग्रुप, ये हो गया हमारा माइनर ग्रुप, ये हो गया मेजर ग्रुप। तो इसमें कुछ डाटा है हम देख लेते हैं, जैसे कि दो मेजर ग्रुप्स के बीच में, ये हो गया हमारा मेजर ग्रुप और ये भी हो गया हमारा एक मेजर ग्रुप। तो इन दो मेजर जो इन दो मेजर ग्रुप, इनको हम ये जो डिस्टेंस है इसे हम पिच बोलते हैं। इसका जो पिच होता है वो होता है 3.4 नैनोमीटर, एक मेजर ग्रुप से दूसरे मेजर ग्रुप तक। तो माइनर ग्रुप देखें तो हम एक माइनर ग्रुप से दूसरे माइनर ग्रुप के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो उसको हम पिच बोलते हैं, और वो होता है 3.4 नैनोमीटर। और अगर हम देखें कि एक टर्न, जो ये हमारे एक टर्न हो गया, एक टर्न के बीच में जो है कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो एक टर्न के बीच में 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं 1 टर्न। और ये हो गया हमारा जो डिस्टेंस होता है दो बेस पेयर के बीच में, तो ये होता है हमारा 0.34 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर होता है ये दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस। हम 3.4 जो हमारा ये है हेलिक्स है, और हमें पता है कि एक टर्न जो है 10 बेस पेयर होते हैं, तो हम इसे 10 से डिवाइड कर देंगे तो होगा 0.34 नैनोमीटर, दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस। हम देखेंगे कि एंगल कितनी होती है, जो ये एंगल है इनके बीच में जो है डिस्टेंस, एंगल कितना है दो बेस पेयर के बीच में, तो जो एंगल होती है दो बेस पेयर के बीच में वो होता है हमारा, अगर हम मान ले तो एक जो हमारा टर्न है वो 360 टर्न होगा, ये पूरा एक टर्न हो गया, ऐसे ऐसे हमारा ऐसे टर्न हुआ, तो एक टर्न हो गया हमारा 360 टर्न हो गया। तो और एक टर्न में कितने बेस पेयर प्रेजेंट है, 10 बेस पेयर प्रेजेंट, हम उसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ गया 36 डिग्री, इसका हो गया दो बेस पेयर के बीच में जो है 36 डिग्री एंगल होता है। अगर हम डायमीटर की बात करें, जो हमारा जितने भी हमारे डीएनए है यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर है वो होता है हमारा 2 नैनोमीटर, ये होता है हमारा डायमीटर इसका। और ये जो डीएनए हमने जो देखा वॉटसन और क्रिक का डीएनए स्ट्रक्चर, ये होता है हमारा बी डीएनए, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट डीएनए स्ट्रक्चर है, ये होता है बी डीएनए ऐसे हम बोलते हैं। और इसके डीएनए के कई सारे फॉर्म्स होते हैं, ए जेड बी, तो ये हो गया हमारा बी, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए को दूसरे लेक्चर में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।